हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं आप सबका अपने इस न्यू वीडियो में। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं बहुत बढ़िया होंगे। और टॉप मार्केट में कल की डेट में स्नैपशॉट ले लिया गया था और यहां पर इनकी अपडेट भी आ गई थी कि हे एवरीवन, थैंक्स फॉर काउंटिंग डन विद अस। हमारे साथ स्नैपशॉट की काउंटिंग डन करने के लिए थैंक यू सो मच, इनका अपडेट आ गया था। दोज हु आर एलिजिबल विल एंटर्ड इन टू द लेवल सिस्टम। जो एलिजिबल होंगे वो लेवल सिस्टम में एंटर कर जाएंगे विद इन 24 आवर्स, 24 घंटे के अंदर अंदर। और योर रैंक इन दिस सिस्टम डिटरमाइंड बाय द स्नैपशॉट। स्नैपशॉट के आधार पे आपकी रैंक जो होगी वो सिस्टम द्वारा निर्धारित की जाएगी, मतलब बताई जाएगी। विल डायरेक्टली इन्फ्लुएंस योर एयरड्रॉप अमाउंट, वो डायरेक्टली आपके एयरड्रॉप अमाउंट को डिटरमाइन करेगी, ठीक है, इन्फ्लुएंस करेगी। एंटरिंग द लेवल सिस्टम मीन्स यू आर इन द एयरड्रॉप, बी प्राउड इफ़ यू मेड इट। अगर आप लेवल सिस्टम में एंटर कर जाते हैं तो आप एयरड्रॉप पाने के हकदार बन चुके हैं, तो इसके लिए आप अपने आप पे प्राउड फील करें, ऐसा बताया इन्होंने। दिस फीचर विल बी लॉन्चिंग इन लेस देन 24 आवर्स, 24 घंटे के अंदर अंदर आपका लॉन्च हो जाएगा ये सिस्टम पूरा का पूरा, तो आपको घबराने वाली बात नहीं है, ऐसा इन्होंने कहा। और अभी इन्होंने थोड़ी देर पहले एक टू डू लिस्ट में ये ऑप्शन डाला कि अपने नाम के आगे टमाटर ज़रूर लगा लें, आपने क्या ऐसा कर लिया है, और उसके बाद की बात करें दोस्तों। तो चलते हैं हम टॉम मार्केट के बोर्ड पर। तो फ्रेंड, जैसे ही मैंने बूट को ऑप्शन ओपन किया तो मैंने चेक किया कि क्या कुछ लेवल सिस्टम वाला कोई सिस्टम ओपन आया है या नहीं आया है। तो यहाँ पे मैंने देखा कि मेरे पास एक नया ऑप्शन यहाँ पे दिख रहा है, आपको भी दिख रहा होगा, अनलॉक लेवल का। और जैसे ही मैं देखा, मैं समझ गया कि मैं एयरड्रॉप के लिए एलिजिबल हो चुका हूँ। क्या आप हो चुके हैं, नहीं हो चुके हैं, आप यहाँ पर अपना सिस्टम यहाँ पर लेवल चेक कर लीजिएगा। अगर ये ऑप्शन आ गया है तो आप भी एलिजिबल हो चुके हैं, कॉन्ग्रेचुलेशन आप सबको भी। अब इसके बाद क्या करना था, जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया अनलॉक लेवल पे, तो ये वाला ऑप्शन आपके सामने आ गया कि X690 कैलकुलेशन कंप्लीटेड। अब ये इन्होंने कैलकुलेशन मेरे स्नैपशॉट के आधार पे बनाई है। अब ये क्या है मुझे भी अभी क्लियर नहीं हुआ, लेकिन इन्होंने कहा कि अपने लेवल को अपग्रेड करने के लिए रिवील योर लेवल, अपने लेवल को चेक करने के लिए इस पर क्लिक करें। तो रिवील योर लेवल पर मैंने क्लिक किया। अब जैसे ही मैंने रिवील योर लेवल पे क्लिक किया तो यहाँ पे प्लैटिनम आई लिखा हुआ आ गया, प्लैटिनम आई, प्लैटिनम वन, प्लैटिनम टू। तो यहाँ पे मेरे को लग रहा है कि ये गोल्ड 4 का एक लेवल है। लेवल डिटरमाइंड इन एयरड्रॉप 100% ऑफ द ऑल यूजर आर हियर, ठीक है, कॉन्ग्रेचुलेशन यू हैव सरपास्ड गोल्ड लेवल, ठीक है, इन्होंने ये कहा है मेरे को कॉन्ग्रेचुलेशन। लेकिन जो मेरा लेवल है वो यहाँ पर ये आया हुआ है, ठीक है, 288 का ऑप्टेन, 288 22 मोर स्टार टू हिट प्लेटिनम सेकंड एंड ओवरटेक वन मोर यूजर्स, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने ये चीज़ें बताई हुई हैं कि मेरा जो रैंक है वो प्लेटिनम वन का है फिलहाल, ठीक है, और मुझे 222 मोर स्टार्स और करने हैं प्लेटिनम टू पे जाने के लिए। यानी मैं यहाँ पे आपकी क्लिक करता हूँ तो ये प्लेटिनम टू है, और प्लेटिनम टू पे मैं जब जाऊँगा तो यहाँ पर ये मेरा रैंक हो जाएगा, ठीक है। और इन्होंने यहाँ कहा कि अनयूज्ड, अभी मेरे जो स्टार यहाँ पर पड़े थे वो 19 पड़े थे, जैसे अभी कि आपके पास भी स्टार पड़े होंगे, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि आप यूज़ कर सकते हैं अपने स्टार को लेवल अप करने के लिए। तो यहाँ पे लेवल अप पे मैं क्लिक करता हूँ, जैसे ही मैंने लेवल अप पे क्लिक किया तो यूज़ करता हूँ मैं इनको, यू हैव 19 अनयूज्ड स्टार, डू यू वॉन्ट टू यूज़ देम। तो इसको यूज़ करने के लिए ही होंगे दोस्तों ये, तो मैं इस पर यहाँ पर क्लिक करता हूँ यूज़ पे। और जैसे ही मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो ये हो गए 85, मेरा यहाँ पे जो मेरे स्टार हैं वो 66 थे पहले यहाँ पे दिख रहे थे, वो 85 यहाँ पे हो गए, ठीक है। अब यहाँ पे 203 स्टार मुझे और लाने हैं, ठीक है, प्लेटिनम 2 की रैंक को अचीव करने के लिए, लेवल अप करने के लिए। यानी लेवल अप यहाँ पे करेंगे कुछ इस टाइप से, ये लास्ट लेवल है प्लेटिनम सेकेंड का। और यहाँ पे अगर गेट मोर स्टार पर मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे क्या आता है, स्नैपशॉट टेकन। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि 2 सितंबर को यहाँ पे स्नैपशॉट लिया गया। योर स्टार्स आर अवॉर्डेड बेस्ड ऑन योर पार्टिसिपेशन इन 6 एक्टिविटीज़। आपकी 6 चीज़ों को ध्यान में रखा हुआ कि आपको ये स्टार्स प्रोवाइड किए गए। ड्रॉप गेम रिजल्ट्स, यानी ड्रॉप गेम जो यहाँ पे प्ले करते थे हम लोग ऐसे ऐसे स्वाइप कर करके वो वाला। डेली चेक इन एक्टिविटीज़ आपकी कितनी ज़्यादा थी, टोमाटो फार्मिंग फ्रीक्वेंसी आपकी कितनी थी, और डेली मिस्ट्री कोड्स जो आप थे वो रिवील करते थे, करते नहीं करते, टास्क कंप्लीशन टास्क आप करते थे करते नहीं करते थे, रेफरल्स आपके कितने थे उस हिसाब पे। तो नेक्स्ट स्नैपशॉट अक्टूबर, कीप पार्टिसिपेटिंग, योर एक्टिविटी विल
कीप अफेक्टिंग योर स्टार्स एंड रिवॉर्ड्स। अपनी एक्टिविटीज़ को आप रेगुलर रखिए, वो आपके रिवॉर्ड्स को मतलब अपना उसी भी यहाँ पे आपको रिवॉर्ड यहाँ पे मिलेगा। तो यहाँ पे प्ले फार्मिंग गेम पे आ चुके हैं और मैं इस पे दोबारा से क्लिक करूँगा तो मैं दोबारा से उसी जगह पे पहुँच गया हूँ जहाँ पर हम पहले थे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको सिंपल है, अब ज़्यादा एक्टिव रहने की ज़रूरत हो गई है क्योंकि यहाँ पर देखो मेरा रैंक लिखा हुआ आ गया प्लेटिनम 19 और 19 मुझे मेरे पास स्टार्स इसलिए लिखा हुआ है। प्लस यहाँ पे मैं जब क्लिक करूँगा तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये 85 है और मैंने 19 स्टार आपके सामने यूज़ कर लिए थे तो 85 हो चुके हैं। मुझे 203 स्टार्स और लेने हैं तो 203 स्टार्स के लिए मेरे को अपने आप को यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिव रखना है और प्लेटिनम सेकंड तक पहुँचने की कोशिश करनी है। तो फ़िलहाल यहाँ पे और कोई नई चीज़ हुई नहीं है दोस्तों और यही चीज़ हुआ है, लेकिन इसके बिहाब पे अलग से कुछ हमें रिसीव नहीं हुआ है। आई थिंक हमारे को अब मेरे लेवल सिस्टम्स दिखने शुरू हो चुके हैं। क्या आपको आपके लेवल दिखने सिस्टम देखने शुरू हुए या नहीं हुए वो आप ज़रूर बताइए। और बाकी एज ए रिवॉर्ड की बात करें तो अभी कोई ऐसा अलग सा रिवॉर्ड यहाँ पे मिला नहीं है, मतलब कि वो कोई स्पेशल रिवॉर्ड जैसे कुछ मिलना था वो कोई मिला नहीं है। तो आई थिंक वो रिवॉर्ड अगर अब मिल जाता है या कुछ और भी मिलता है तो मैं आप लोगों को ज़रूर बताना चाहूँगा। अभी आपको डेली यहाँ पे टैपिंग करके ये गेम प्ले ज़रूर करना है, फार्मिंग ज़रूर करनी है, चेक इन ज़रूर करना है डेली का डेली ताकि आपको उसके पॉइंट्स मिलें और ये पे यहाँ पे ट्रिप करके जो कोड्स होते हैं वो ज़रूर क्रैक करने हैं ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा स्टार को क्लिक कर पाएँ और रेफर ज़रूर कर लेना ताकि आप स्टार्स को ज़्यादा अर्न कर पाएँ। और जितना ज़्यादा आप ये कर पाएंगे उतना ही जल्दी आप लेवल 2 या प्लेटिनम में, अगर गोल्ड में है तो प्लेटिनम 1 पे अचीव पहुँचने की कोशिश करिए। ठीक है, तो काफ़ी कुछ क्लियर हो गया होगा, जो चीज़ें थी वो मैंने आपको बता दी हैं और जो भी आपको एयर ड्रॉप में और कुछ एक्टिविटीज़ होती हैं तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक ले थैंक यू सो मच।